हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू GTA Vice City गेम प्ले वीडियो। तो दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक और कमाल का चीज, जिससे आप जो है अपनी GTA Vice City की गेम में एक न्यू हेलीकॉप्टर जो है, जिसे हम हंटर हेलीकॉप्टर या आर्मी का हेलीकॉप्टर भी बोल सकते हैं, तो वो किस तरीके से मंगवा सकते हैं, मुकम्मल प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। सबसे पहले आपने इस वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना, मुकम्मल देखना है, क्योंकि मैं जो आपको प्रोसेस बताने वाला हूं आपने उसे समझना है। बाद में कमेंट बोल के नहीं बोलना कि भाई हमारी वीडियो जो है आपकी फेक है, हमारे पास जो है ये वर्क नहीं कर रहा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको वो चीज़ कोड बता देता हूं जिसके ज़रिए हमारा हेलीकॉप्टर आ जाएगा। उसके बाद जो है मैं आपको उसका पूरा प्रोसेस भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप भी अपनी GTA Vice City की गेम में इस न्यू आर्मी हेलीकॉप्टर को जो है मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने चीट कोड एक्टिव कर दिया है और हमारे पास आर्मी का हेलीकॉप्टर जो है आ गया है। तो आप इसका लुक भी देख सकते हैं, बहुत ही कमाल का है। तो चलिए हम इसमें बैठ के थोड़ी सी GTA Vice City की सैर करते हैं कि किस तरीके से जो है ये हमारी GTA Vice City के गेम में वर्क करता है। तो दोस्तों, अरे ये तो लाल लाइट में अटक गया, तो चलिए कोई बात नहीं है, हम इनसे उतर के किसी और दूसरा जो है चीट कोड एक्टिव कर देते हैं ताकि दूसरा जो है हेलीकॉप्टर आ जाए। तो फौरन से जो है हम इससे उतर जाते हैं और दूर कहीं जाके जो है चीज़ को एक्टिव करते हैं ताकि हमारे पास दूसरा जो है हेलीकॉप्टर आ जाए, आर्मी का हेलीकॉप्टर। तो चलिए दोस्तों, हमारे पास दूसरा जो है आर्मी का हेलीकॉप्टर आ चुका है, तो चलिए इसमें बैठ के हम कहीं चलते हैं कि GTA Vice City की गेम में ये किस तरीके से वर्क करता है। तो दोस्तों, ये देखिए 100% जो है और दूसरे हेलीकॉप्टर की तरह जो है वर्क कर रहा है, किसी भी इश्यू नहीं है, कोई भी इश्यू नहीं है। आप देख सकते हैं, इसका लुक भी देख सकते हैं, साइड से इधर उधर से कहीं से भी आप जो है इसका लुक जो है देख सकते हैं। बहुत ही कमाल का और अच्छा जो है ये न्यू हेलीकॉप्टर है। ये मिसाइल भी फायर करता है, आप अगर 0 के बटन को प्रेस करेंगे तो ये मिसाइल देख सकते हैं आप छोड़ेगा। उसके बाद अगर इससे आप फायर करना चाहते हैं तो आप स्पेस बटन को प्रेस करोगे तो आपके ये जो है फायर करना भी स्टार्ट करेगा। तो दोस्तों, आपने भागना नहीं है, इसके बाद जो है मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस भी बताऊंगा। पहले हम इसको फौरन से जो है इसे उतारते हैं ताकि इसके बाद जो है मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बताऊं। तो दोस्तों, वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे नॉलेज में जो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इस फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाए, वहीं से जाके इसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इस फाइल को एक्सट्रैक्ट हेयर कर देना है तो आपके सामने दो फाइल और बन जाएगी। सिंपल आपने ऊपर वाली फाइल को जो है ओपन कर लेना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप जो है ऊपर वाली फाइल को ओपन करेंगे तो आपको इस तरीके का जो है कुछ इंटरफेस नज़र आएगा। तो ये जो है आपकी हंटर वाली, तो आपने सबसे पहले अपनी GTA Vice City का गेम फोल्डर सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद ओके कर। तो मैं जो है फटाफट से अपना GTA Vice City का गेम फोल्डर सिलेक्ट कर लेता हूँ जिस गेम में जो है मुझे ये मोड रिप्लेस करना है। तो ये रहा मेरा सिलेक्ट फोल्डर हो गया। उसके बाद जो है आपने रीबिल्ड आर्चीव पे जो है क्लिक कर देना, इंस्टॉल, उसके बाद कंटिन्यू इंस्टॉलेशन। तो मैं जो है फटाफट से आपको कंटिन्यू इंस्टॉल जो है नहीं कर रहा क्योंकि मैंने पहले इंस्टॉल करके रखा है, आपने इसे इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद न्यू या लोडेड गेम कहीं से भी इसे प्ले कर देना है। तो जैसे ही आप अपनी GTA Vice City की गेम प्ले करोगे तो आपके सामने किस तरीके से मंगवाना है, तो आपने क्या करना है, अपने कीबोर्ड से दबाना है R+3। जैसे दबाओगे तो आपके पास यह न्यू आर्मी हेलीकॉप्टर जो है आ जाएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है ये 100% जो है चीट कोड के ज़रिए आ सकता है। तो दोस्तों, ये किस तरीके से आपने लेना है, आपने हंटर हेलीकॉप्टर वाली वीडियो देखनी है, पहले वो प्रोसेस करना है, उसके बाद जो है आपने ये मूड रिप्लेस करना है, तो ऑटोमेटिकली जो है ये आपकी GTA Vice City की गेम में आ जाएगा आर्मी वाला न्यू हेलीकॉप्टर। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दिया करें ताकि हमारी आने वाली जो भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, अगर आप GTA Vice City की और भी चीज़ को चाहते हैं तो हमारे चैनल का विजिट कीजिए, आपको तमाम चीज़ जो है डिटेल के साथ मिल जाएंगे। थैंक यू वीडियो।